हीटर पार आग से ताप रहे चालक की जिंदा जलकर मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में हीटर से तापते समय शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लेखा अधिकारी के संविदा चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के दौरान बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। क्या हुआ है? आज शाम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के कमरे में आग लग गई है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि अशोक नाम का व्यक्ति था जो जिला लेखा अधिकारी का ड्राइवर है। इसकी आग लगने से मृत्यु हो गई है और इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रथम दृष्टया क्या कारण लग रहा है आग लगने का? इसमें जांच की जा रही है। जांच में जैसा भी परिणाम आएगा वैसी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि शराब भी पिया था जिससे उसकी मौत हुई है। उनके कमरे से बोतलें मिली हैं, अभी इस पर और जांच होगी। ऐसा भी माना जा रहा था बचाने का भी प्रयास? इसमें जांच जो होगी उसमें सभी तथ्यों पर जांच होगी और सभी चीजें साफ हो जाएंगी। देखा गया बिजली विभाग का इतना बड़ा कार्यालय तो आग। अब इसमें ये जांच है, पहले हम जांच करवा लें और जांच में जो भी दोषी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मृतक कर्मी क्या सरकारी कर्मी है? अभी ये अशोक नाम का व्यक्ति पता चला है, इसमें अभी और जानकारी की जा रही है कि संविदा पे था कि सरकारी है, उसके आधार पर।